हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट मूवी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं ग्रुप सी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी का होने वाला है ट्रेड टेस्ट। आप सभी को अप्रोक्सीमेटली या फिर ऑलमोस्ट आपका जो है एडमिट कार्ड आपको मिल चुका होगा। शायद ही कुछ लोगों का होगा जिनका एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण काफ़ी स्टूडेंट ने तो मैसेज नहीं किया। बट हाँ, दो तीन गिने चुने स्टूडेंट हैं जिनका मैसेज आ चुका है, मेल पर आया कि सर मेरा एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपका भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों का जो है ट्रेड टेस्ट का एडमिट कार्ड आ चुका है। और ग्रुप सी वाले, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको बात करने वाले हैं किस प्रकार से आपका जो है ट्रेड टेस्ट होने वाला है, क्या क्या काम होते हैं वहाँ पर और क्या क्या सामान आपको लेकर जाना होता है। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट से लेकर ट्रेड टेस्ट में होने वाले सभी कार्य तक सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपका आसनसोल या हावड़ा में सेंटर गया है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट नोगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्मार्ट नोगी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, चाहे वो RPF हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो सरकारी नौकरी से संबंधित, हम सभी चीज़ का जो है कट ऑफ, नए नए फॉर्म्स जो निकलते हैं, सब कुछ आपको जो है यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको स्टडी मटेरियल भी देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को सबसे पहले डॉक्यूमेंट से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आता है, उसके बाद हम बात करेंगे आपको सेंटर के बारे में और तीसरी चीज़ पे हम बात करेंगे जो आपको सेंटर पे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लेके जाना है। सबसे पहली चीज़ आपको आपका एडमिट कार्ड लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप अपना एडमिट कार्ड अभी से अपने पास जो है रख लीजिए। सेकेंड, आपको मार्कशीट लगेंगे यानी कि 10वीं 12वीं का जो आपके पास मार्कशीट अवेलेबल होगा, ये एजुकेशन में आ जाएगा दोस्तों क्योंकि एजुकेशन का आपके पास मार्कशीट होना अनिवार्य है। वहाँ पे आपका जांच होता है क्योंकि जांच इसलिए होता है क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो इस ओके, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो 10वीं का मार्कशीट होता है उसमें जो आपका जन्म तारीख लिखा होता है उसी को ही मैच किया जाता है एडमिट कार्ड में लिखे आपके जन्म तारीख से। अगर दोनों मैच नहीं हो रहा है दोस्तों तो आपके लिए दिक्कत होगी क्योंकि आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में कोई भी किसी भी प्रकार की जो है आपको रियायत नहीं दी जा रही, आपको सीधा सीधा छोटी से छोटी गलती मिलते ही आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसलिए आप सतर्क रहिए और समझदारी के साथ जाइए और सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार, अब मैं तो कहता हूँ, आप चेक कर लीजिए। रीचेक करने में कोई ज्यादा नहीं है, ज़्यादा समय थोड़ा समय लगेगा बट एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल हैं और कितने वो वेरीफाइड हैं और कितना सही है। कभी कभी ऐसा दिक्कत होता है कि हमारे नाम में जो मिस्टेक होता है, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक होता है, समटाइम्स जो है सरनेम ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी हम सरनेम यूज़ करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट से सरनेम यूज़ नहीं करते हैं, कहीं कुमार लगा देते हैं, कहीं कुमारी लगा देते हैं। इस प्रकार के जो मिस्टेक होते हैं उन चीज़ को आपको नोटिस करना है क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो चलिए, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी भी हम आ जाते हैं, वो है जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, कास्ट में सर्टिफिकेट काफ़ी लोग ने जो है कास्ट सर्टिफिकेट के में आपको पता होगा, जैसे SC ST OBC में सभी ने अपना फॉर्म भरा होगा। तो कास्ट के बारे में आप सभी को नॉलेज तो होगा दोस्तों, पर मैं उसके बारे में एक बार और आपको डिटेल्स में बता देना चाहूँगा कि जो सेंट्रल फॉर्मेट होता है, जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल फॉर्मेट में ही आपका जो है सर्टिफिकेट लगेगा। यानी कि सेंट्रल फॉर्मेट जो आपको दिया होगा पैरा में, आपको पता होगा, आपका नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं होगा तो आप क्या कीजिए, वापस से जाइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर साफ साफ दिया हुआ कि RPF एनएलसी कॉन्स्टेबल में जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे वो सब कुछ आपका जो है सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए। बट यहाँ पर आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का है, जी हाँ आपके राज्य का है, जैसे कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, यूपी से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर आपका उस राज्य से संबंधित आपका जाति प्रमाण पत्र है तो भी आपको वैलिड है, यानी आपको ले लिया जाएगा वहाँ पे। आपको कोई दरखा वो नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, आपको लेकिन समय दिया जाएगा, आपको बनाना तो सेंट्रल का पड़ेगा ही। इसलिए अगर आपके पास समय है, जैसे एक दो महीने का समय आपको दिया है, 40 दिन का, किसी पास 30 दिन का समय है, तो अगर आपके पास समय है तो आप ऑलरेडी जो है अप्लाई करके रखिए क्योंकि आपके लिए बेनिफिट होने वाला है वो फ्यूचर में, क्योंकि आपको वहाँ पर जाना जो है जमा करना ही पड़ेगा। तो ये भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं चौथी चीज़ आपके क्या है दोस्तों, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आपका इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ दोस्तों, चौथी चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका इंस्ट्रूमेंट आपको लेके जाना है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी लोग जो है इस चीज़ में गलती कर देते हैं, जैसे कि आपका टेलर है, टेलर का ट्रेड है, या फिर आपका बार्बर का है,
तो इन सब चीज़ों में आपको देखिए वहाँ पे नोटिस में ऑलरेडी दिया होगा, या आपका अगर एडमिट कार्ड आपको आया होगा तो उसमें देखिए लिखा होगा कि आपको जो टूल्स है, जो आपके कैंची हथियार उस तरह वगैरह जो भी आपका है, वो सब आपको लेकर आना है, कैरी करके लेके आना है। तो इन चीज़ों का भूल मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे भूलने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, सीधा रास्ता आपको बाहर का ही दिखाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर आप फोकस कर लीजिए। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट से लेके कि आपको क्या कैरी करना है और ये सब चीज़ों को आपको कैसे जो है लेकर जाना है। तो लेकर जाने के लिए आपको क्या करना है, सब कुछ अभी से दो बंच बनाइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दो सेट बनाइए जेरॉक्स का। आप जेरॉक्स कर लीजिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके दो बंच बनाइए। एक बंच आपने पास रखिए और एक बंच वहाँ पे देने के काम आएगा दोस्तों। आपके पास दो पासपोर्ट टाइप फोटो होने चाहिए दोस्तों। ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पे लेके जाना है, कैरी करना है अपने साथ में। और दोस्तों बात आप करते हैं सेंटर की। तो सेंटर अगर आपका दोस्तों आसनसोल है या फिर हावड़ा है, यानी कि हावड़ा हो चाहे आसनसोल हो, आपको पश्चिम बंगाल में आपका कहीं पर भी सेंटर गया है तो वहाँ पर आपको एक दिन पहले विजिट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग से जब ब्रीफिंग स्टार्ट हो जाती है तो काफ़ी जो है टायर्ड हो जाते हैं स्टूडेंट्स और काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि 400-500 स्टूडेंट्स जो है आते हैं ट्रेड टेस्ट सेंटर पर। और इतने स्टूडेंट्स का आपको पता है कि एक साथ एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, यानी टेट नहीं होने वाला है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको समय दिया जाएगा। तो समय दिया जाएगा यानी कि आपको बैच में डिवाइड किया जाएगा यहाँ पर। तो यह सोच लीजिए कि 400 स्टूडेंट्स को अगर बैच में डिवाइड करते हैं 20-20 के, तो भी आपके पास जो है 20x20 यानी कि सीधा आपके पास 20 बैच हो जाएगी। यानी 20 भी हो सकती है, 25 हो सकती है, 12-15 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मिनिमम जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 350 से 400 के बीच में आते ही हैं। तो यहाँ पर आपको लगे समय लगने वाला है। तो समय लगने वाला है, इसका मतलब दोस्तों क्या होगा आपको कि आप जो है टायर्ड हो जाएंगे। अगर आप ऑन द डे जिस दिन ट्रेड सेंटर पे है उसी दिन अगर आप जो है 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे के ट्रेन की ट्रेवलिंग करके आ रहे हैं, आपको पता है कि काफ़ी लंबा दूरी होता है और ट्रेन भी काफ़ी लेट चल रही है, तो इन सब चीज़ों से क्या है आपका माइंड जो है वो थका हुआ रहता है, आपका बॉडी जो कॉन्शियस है वो भी जो थक जाता है। तो इसमें आपको क्या है, यहाँ पर आपको जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है। यहाँ पर काम देखिए पढ़ाई का नहीं है, यहाँ पर आपको फिजिकली कितने फिट हैं, कितने आप चीज़ों को इतने अच्छे से डेवलप करते हैं। अगर आप वाटर कैरियर से डिपेंड करते हैं, करियर आपका ट्रेड सेंटर है आपका ट्रेड टेस्ट का, तो वाटर कैरी में आपको पता है आपको वहाँ पे फूड बनाना है, यानी फूड बनाना है यानी आपको सब्जी काटनी है, सलाद काटना है, रोटी बनानी है, आटा सानना है, ये सब चीज़ें आपको दी जाएंगी। वहाँ पे आप ऑलरेडी जो है थके हुए रहेंगे तो वहाँ पे जो है आपका जो इतना माइंड उतना तेज नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि हमारे जो बाकी के सेंटर्स हैं जैसे कपूरथला या दिल्ली, इन सब सेंटर्स में हमारे स्टूडेंट जो हमसे एक्सपीरियंस शेयर किया, जो बच्चे सेलेक्टेड हैं हम उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों, जो रिजेक्ट हो रहे हैं उनसे तो हम बात करते हैं, बट मैं आपको सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का जो है थेरेपी बता रहा हूँ, सक्सेस का स्टोरी। क्यों सर, हम ऑलरेडी जो है दो दिन पहले, कोई कह रहा है एक दिन पहले हम एटलीस्ट विजिट कर लेते हैं और वहाँ पर अपने बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं कि हाँ हम आराम से पहुँच चुके हैं, सेंटर हमारा ये है, हमारे मन में जो है भागदौड़ नहीं चलती, तो हम उस चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है कैप्चर कर लेते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको लिए भी ये चीज़ है कि आपको भी जो है टाइम से पहले पहुंचना है और अपने आप को रिलैक्स करना है, ताकि जो है आप ट्रेड टेस्ट सेंटर के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकें। तो ये हो गई दोस्तों आपको सेंटर पे पहुंचने की बात। अब बात करेंगे हम आपको ट्रेड टेस्ट में होता क्या है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको अंदर क्या करना है और कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेड टेस्ट के अंदर होने वाले, जैसे मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पहला टॉपिक वाटर कैरियर। जी हाँ, जिन स्टूडेंट्स का वाटर कैरियर है वो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपको पता है वाटर कैरियर में आपको क्या करा जाएंगे। तो हमारे जो अनुभव हैं, जो मतलब दिल्ली कपूरथला में और जो हुआ है टेस्ट, उसके बारे में जो है हमारा जो अनुभव है, जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे शेयर किया है, वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहले आपको जो है आटा सानना जो है ये आना चाहिए। एक मिनट में आपको जो है 100 ग्राम जो है दिया जाएगा, उसको आपको सानना है रोटी बनाने लायक। जी हाँ दोस्तों, आपको कितना करना है, 100 ग्राम दिया जाएगा आपको, एक मिनट का समय दिया जाएगा, तो उस एक मिनट में आपको जो है उसे रोटी बनाने लायक जो है बना देना है। सेकंड चीज़ हम बात करें तो रोटी कैसे बनाते हैं। जी हाँ, रोटी का मेन टॉपिक ये है कि रोटी जो है मोटी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि आप मनमानी कितना भी जो है मोटा बना दीजिए, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। रोटी जो है एक नॉर्मल होती है, जैसे आप खाते हैं घर पे उस हिसाब से नहीं, क्योंकि किसी घर पे मोटी रोटी खाई जाती है, किसी के यहाँ पर पतली। तो आपको जो है एक औसत जो आपको पता है नॉर्मल रोटी जो होटल्स में यूज़ की जाती है थोड़ा उससे मोटी, क्योंकि होटल्स में बहुत पतली रोटी यूज़ की जाती है। तो आपको जो है एक नॉर्मल रोटी बनानी है। रोटी में एक चीज़ आपको फोकस करना है कि रोटी फूलनी चाहिए। जब आप रोटी तावा पे सेकेंगे तो आपकी रोटी जो है फूलना चाहिए उसमें, तभी जाके आप जो है पास होंगे रोटी के ट्रेड में। सेकेंड,
आपको क्या करना है, रोटी जो है चारों तरफ से जो है कच्ची नहीं होनी चाहिए, वो आपको एग्जामिनर चेक करता है अपने हाथ से या फिर टेस्ट करके। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है कि आपकी रोटी जो है अच्छी तरह से पकी होनी चाहिए। अब बात करते हैं सब्ज़ी पे, तो सब्ज़ी में आपको देखिए क्या क्या दिए जाते हैं। सब्ज़ी आपको चेंज भी हो जा सकती है दोस्तों, ये हम अपने जो है एक्सपीरियंस पे बना रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो ट्रेड में हुआ है उसके बारे में, बट मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या हो चुका है ऑलरेडी। तो आपको लौकी की सब्ज़ी दी जा सकती है, तो लौकी को सबसे पहले काटना सीखिए कैसे इसको काटा जाता है। पालक की सब्ज़ी बन चुकी है ऑलरेडी, तो आपको पालक की सब्ज़ी बनाने आनी चाहिए। पालक देखिए सूखी सब्ज़ी है, गीली सब्ज़ी नहीं। कुछ लोग पानी का इस्तेमाल कर लिए थे जिसकी वजह से फेल हो गए, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर रेसिपी। यहाँ पे रेसिपी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मसाला, कौन सा कितना नमक, कितना मिर्च, कितना चौकी, क्या क्या यूज़ किए जाते हैं जिस सब्ज़ी का नाम दिया जा रहा है। जैसे आपको पालक की सब्ज़ी किया गया है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या डालना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दीजिए और आप सोचिए कि बस हम खाने लायक है, नहीं, आपको रेसिपी फॉलो करनी होगी कि उस सब्ज़ी में क्या क्या रेसिपी यूज़ होती है, क्या क्या सामान लगता है, उतनी ही चीज़ें आपको डालनी है। बेवजह एक्स्ट्रा चीज़ डालने के बाद आप जो है सीधा फेल हो जाएंगे, तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है। अब बात करें हम बैंगन की सब्ज़ी में, तो बैंगन की सब्ज़ी में देखिए सूखी और गीली दोनों बनती है। अब आपको वहाँ पे क्या बनाना है वो आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन मिलेगा, तो आप जो है उसी के हिसाब से फॉलो करना है। तो ये क्या करना है दोस्तों मेरा, कि ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी जो है कपूरथला दिल्ली में हो चुकी, बट हो सकती है रिपीट हो, और ज़रूर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इतना जो है हमारे पास रेसिपीज नहीं है कि वो ट्रे टेस्ट में जो है सभी के लिए एक से एक अलग अलग किस्म की रेसिपी या बिरयानी वगैरह ऐसा नहीं बनवाने वाले, वो सब सिंपल सी बनेंगे। सिंपल खाने में यही सब है, लौकी है, पालक है, मेथी है, चौराई है, या फिर आप लौकी की सब्ज़ी कह सकते हैं, भिंडी की सब्ज़ी कह सकते हैं, यानी लेडी फिंगर की सब्ज़ी कह सकते हैं, बैगन है। तो ये सब चीज़ें जो और जो नॉर्मली जो यूज़ होती हैं वही चीज़ें वहाँ आसनसोल और हावड़ा में भी आपसे बनाने के लिए कहा जाएगा। और बात कर ले तो ऑमलेट की, जी हाँ दोस्तों, ऑमलेट जो है बहुत कॉमन है। ऑमलेट आपको गोल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से नमक उसमें जो है फेंटना चाहिए, और आपका जो ऑमलेट है वो अच्छी तरह से पकना चाहिए दोनों साइड। आप हाफ फ्राई मत बना दीजिएगा, काफ़ी स्टूडेंट जो है दिल्ली से मुझे कंप्लेन आई थी, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स का सर हमारा थोड़ा कच्चा रह गया था जिसके वजह से हमें रिजेक्ट होना पड़ा। तो इस प्रकार जो है गलतियां आपको नहीं करनी है, आपको हाफ फ्राई नहीं बनाना है, आपको दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है। तो ऑमलेट क्या होता है, बहुत जल्दी तवा पर डालते हैं ऐसा लगता है कि पक गया, जी नहीं, उसे थोड़ा पकाइए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपका टेस्ट करता है, और उससे ऐसा लगा कि आपने बस तुरंत रख के और गैस बंद कर दिया या फिर अपनी भट्टी बंद कर दी, तो आप तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, और ऑमलेट टूटना नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि ऑमलेट बनाते समय आपको इस बात का ही फोकस करना है कि ऑमलेट आपका गोल हो, साथ में आपका ऑमलेट जो है पका हुआ होना चाहिए, और वो टूटना नहीं चाहिए। काफ़ी ऑमलेट जानते हैं आप तावे में चिपक जाता है, इसलिए आप ऑलरेडी जो है तावे पर अच्छी तरह से तेल लगा दीजिए, उसके बाद ही ऑमलेट बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गई दोस्तों आपकी ऑमलेट सब्जी। सलाद काटने का भी मैं बता देना चाहूँगा कि सलाद में आपको जो दिया जाएगा, आपको, जी हाँ, आपको अगर जो जो सामान है जैसे कि मूली है, गाजर है, टमाटर है, प्याज यानी कि कांदा है, जो भी आप चीज़ें आपके पास वहाँ अवेलेबल है उसे आप काटना है, साथ में उसके काटने के बाद उसको अच्छी तरह से सजाना है। प्लेट में सजाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, काटना भी बहुत ज़रूरी है, और उसे किस तरह काटना है। आपको दो तीन टाइप के होते हैं सलाद काटना, उसे आप इंटरनेट से सीख सकते हैं या घर में सीख सकते हैं किस प्रकार से आपको काटना है सलाद को। तो जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको फैंसी लगे, जिसमें आप निपुण हो, मतलब आप जो प्रैक्टिस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, वही चीज़ वहाँ पर बनाइएगा, वही काट के हिसाब से कि हाँ मैं गोल काटता हूँ, मैं इसका हॉरिजेंटल काटता हूँ या वर्टिकल काटता हूँ, जो आपको सूटेबल लगे और उसे सजाने में एक्सपर्ट हो आप, वैसी प्रकार का सलाद काटिए ताकि आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है आपको अपने काम को करना है, और ये सब जो कुछ भी मैंने आपको बताया इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से एग्जामिन करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको घर में प्रैक्टिस करनी है, अपने सिस्टर से, अपनी मॉम से, आप जिसके साथ रहते हैं, अपने डैड से अगर खाना बनाते हो तो अपने डैड से सीखिए, जिससे भी आप सीख सकते हैं उनसे सीखिए, अपने दोस्त कलीग जिससे भी आपका मन करे सीख लीजिए, या फिर इंटरनेट का यूज़ कीजिए। यूट्यूब पर भी काफ़ी रेसिपीज़ बताई जाती हैं खाने बनाने की, तो आप जो भी रेसिपी फॉलो करते हो उस प्रकार आप जो है खाना बनाना अच्छी तरह से सीख लीजिए, क्योंकि वाटर कैरियर में खाना बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए उन्हीं टॉपिक्स पर जो है काम किया जा रहा है। और बाकी जो ट्रेड्स हैं जैसे ट्रेड्स जैसे सफाई वाला है, बारबर है, गार्डनर है, इन सभी के बारे में भी हम धीरे धीरे आपको जो है वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपसे अलविदा कहूँगा, तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।